हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जीवी फिल्म्स लिमिटेड। जी हाँ, एक मीडिया सेक्टर की कंपनी है। यदि मैं बात करूँ इसके करंट प्राइस की तो आप देखोगे 1.90 रुपये इसका करंट प्राइस है, और जो इसमें प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो अप्रोक्सीमेट 5% की तेज़ी के साथ इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी। अगर मैं बात करूँ इसके 52 वीक हाई की तो आप देखोगे जो इसने 52 वीक हाई लगाया वो 1.90 रुपये है, और जो लो लगाया है 29 पैसे, यानी कि अपने जो 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके रिटर्न की तो आप देखोगे जो इसने 5 दिन में रिटर्न दिया है वो 20% है। वहीं अगर 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 156% का अच्छा खासा एक महीने में इसने रिटर्न दे दिया है। और 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो आप देखोगे 55% का है। वहीं अगर बात करें हम 1 ईयर के रिटर्न की तो आप देख सकते हो 740% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 1 ईयर में। और मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हो इसका जो मैक्सिमम हाई है वो 132 रुपये है, आप देख सकते हो, जो इसने 2000, जी हाँ, 10 मार्च 2000 में लगाया था। उसके बाद जो इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, और फिर ये 2008 से, जी हाँ 2008 से आप देख सकते हो ये अप्रोक्सीमेट 1 रुपये से नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। और फिर हमें अब इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, जो ये अब 2 रुपये के आसपास जाते देखने को मिल गया है 1 साल से। अगर हम बात करें इसके टारगेट की तो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहने वाला है हमारा वो 5 रुपीज़ है, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, जी हाँ जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 10 रुपीज़ है, जो ये आपको 2 से 3 साल में देखने को मिलेगा, और जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो आपको 2 से 3 महीने में ही देखने को मिल सकता है। आप किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल जरूर देख लिया करो। आइए हम भी एक नज़र इसके फंडामेंटल पर भी डाल लेते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 174 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 3.5% माइनस में है, और जो EPS है ये भी 3 पैसे माइनस में है, और जो पब्लिक होल्डिंग है वो 98% की है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग नहीं है, 0 है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये इसका फेस वैल्यू है, और जो इसकी बुक वैल्यू है वो आप देख सकते हो 24 पैसे की है, और जो ये ट्रेड कर रहा है वो 1.90 रुपये है, यानी कि ये अपनी बुक वैल्यू के लगभग 10 टाइम ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 8.5% माइनस में है, और जो डेट है कंपनी के ऊपर आप देख सकते हो 18 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। अगर एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को प्रॉफिट के बजाय 2.10 करोड़ का लॉस हुआ है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 13 लाख की, यानी किसी की इसके जो फंडामेंटल है वो ठीक नहीं है। आप देख सकते हो कंपनी के ऊपर डेट भी है, और जो इसके एनुअल प्रॉफिट है उसकी वजह इसको लॉस हुआ है। वहीं अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 0 है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है, और जो इसकी बुक वैल्यू है ये भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके जो फंडामेंटल है वो ठीक नहीं है। अगर आप फिर भी इसको बाय करना चाहते हो तो आप इसके अंदर कम से कम कैपिटल यूज करना, जी हाँ, और लॉन्ग टाइम के लिए ही करना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।